आखिरी सवाल जाने से पहले मैं जान रहा हूं कि आपका अदानी पोर्ट्स से भी पॉजिटिव रवैया है। अदानी पोर्ट्स में आज भी एक मोतीलाल ओसवाल ने 1000 प्लस की कॉल दी है, और इनफैक्ट कल हमने देखा अदानी पोर्ट्स 25 साल अपने खत्म कंप्लीट कर रहा है। इसमें क्या राय बन रही है आपकी इस भाव से? तो अजय जी, पहले तो मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जब ये जनवरी एंड फरवरी में एक क्राइसिस आया था, हमने अपने ब्रेव हार्ट क्लाइंट्स को अडानी पोर्ट और आईसीसी अंबुजा होल हार्टेडली दिलाया, और हमें कोई इंटेंशन नहीं उसको अभी बेचने की या आगे भी बेचने की, बिकॉज ये जो मोनोपोलीज है, मैंने अडानी पोर्ट की वर्किंग देख रखी है, इट इज आई थिंक आर्गुएबली द थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई बिकॉज दे हैव अ 2% एक्सपोजर ऑन द हाइफा पोर्ट, that was more to do to get an access into the Strait of Hormuz, but you know, jaise unhone guide kiya, they are on the other side of the war and they have you know safely safeguarded their own investment and the people. Mujhe lagta hai ye decline is more of a sentimental weakness aur ye ek buying opportunity hai. Koi do raay nahi, Adani Port Ambuja must be accumulated for a slightly longer term period because apne apne kshetra mein dono outperform kar rahe hain on a financial front. ठीक है, एब्सोल्युटली अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट पर आपका कन्विक्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग था।